हाय ऑल। सो ये है हमारे जावा सर्टिफिकेशन सीरीज का सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे 1Z0-808 सर्टिफिकेशन जो कि अगेन है जावा 8 का ही सर्टिफिकेशन फ्रेंड्स। सो इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था वो भी जावा 8 का ही था, लेकिन वो एज ए न्यू डेवलपर्स के लिए था जो कि फर्स्ट टाइम जावा में एंट्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हो, ये भी सर्टिफिकेशन आप डायरेक्टली कर सकते हो फ्रेंड्स। ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपने वो सर्टिफिकेशन किया होना ही चाहिए। इसके पहले जो 1Z0-811 वाला जो सर्टिफिकेशन हमने डिस्कस किया था वो जो सर्टिफिकेशन था इट वाज लाइक अ वेरी फंडामेंटल लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी और अ प्री रिक्विजिट सर्टिफिकेशन फॉर 1Z0-808। तो आप डायरेक्टली भी इस सर्टिफिकेशन के लिए अपियर हो सकते हो। सो 1Z0-808 ये जो सर्टिफिकेशन है इसको जावा एसी 8 प्रोग्रामर 1 ऐसा भी बोला जाता है। अभी इसको 1 क्यों बोला जाता है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सो 1Z0-808 ये जो सर्टिफिकेशन है फ्रेंड्स इसमें आपको 120 मिनट्स मिलेंगे एग्जाम में और आपको पूछे जाएंगे 56 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस है, तो ये आपको चीजें ध्यान से आपको माइंड में रखनी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना है कि कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन है, उसके ऊपर से आप टैली कर पाओगे या फिर समझ पाओगे कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम आपको स्पेंड करना है। सो फ्रेंड्स 120 मिनट्स आपको मिलेंगे एग्जाम में, 56 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, टोटली 56 क्वेश्चंस और पासिंग स्कोर वही है 65% नॉट 65 मार्क्स। सो ये चीज़ आपको अच्छे से ख्याल में रखनी है। और अगेन ये जो सर्टिफिकेशन रहेगा ये रहेगा आपका जावा 8 के लिए। इसका जो स्टेप 1 है उसमें भी इन लोगों ने अच्छे से बोला हुआ है कि आप लोगों ने इसका ट्रेनिंग किया होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको जो सर्टिफिकेशन की एग्जाम आप देने जा रहे हो यू शुड हैव द एंटायर इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट एग्जाम एंड दैट दोस टॉपिक्स, अदरवाइज इट विल बी यूजलेस फॉर यू। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अभी ये भी पेड है, इट इज नॉट फ्री एट ऑल। जावा का एक फ्री सर्टिफिकेशन है जो कि ओरेकल आपको देता है, उसके बारे में भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक एंड जेन्युइन चैनल फॉर यू। विजडमाइजर इस चैनल का नाम है। अभी हम आ जाते हैं ये जो सर्टिफिकेशन है इसके सिलेबस पे। सो जावा बेसिक्स जो रहेंगे वो तो आपको पता होगा ही कि क्लासेस, लाइब्रेरीज, जेडीके वगैरह वो सारी चीज़ें क्या है वही एक्चुअली जावा बेसिक्स में ये लोग कवर करते हैं। उसके बाद में जो है डेटा टाइप से लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो डेटा टाइप्स पे आप लोगों को पूछा जा सकता है, जैसे प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में। वो होने के बाद में हाउ टू रीड एंड राइट ऑब्जेक्ट फील्ड्स ये सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लेन अबाउट द ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल, क्रिएशन एंड डिफ्रेंशिएशन बाय रीअसाइनमेंट्स एंड गार्बेज कलेक्शंस। अभी ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? कोई भी चीज़ का लाइफ साइकिल मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है। बर्थ टू डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, एनीथिंग ह्यूमन बीइंग और एनी लिविंग नॉन लिविंग थिंग इन दिस वर्ल्ड। अभी नॉन लिविंग चीज़ों का भी लाइफ साइकिल होता है, ऐसा मत बोलिए कि लिविंग चीज़ों का ही लाइफ साइकिल होता है। सो नॉन लिविंग थिंग्स का लाइफ साइकिल मतलब अभी ये जो माउस है ये कब बना, कैसे बना और ये कितने साल चला और कब ये डिस्ट्रॉय हुआ। सो दैट इज नथिंग बट अ लाइफ साइकिल। सो अभी ऑब्जेक्ट ये जो होता है जावा में उसका भी अभी ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बताऊँ तो। सो जावा में अगर आपने माउस नाम का कोई ऑब्जेक्ट अगर बनाया, क्लास बनाया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो वो कब क्रिएट हुआ और वो कब डिस्ट्रॉय हुआ। सो दैट इज कॉल्ड एज ए लाइफ साइकिल। सो ये है इसका लाइफ साइकिल। तो इस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन सर्टिफिकेशन एग्जाम। डेवलप अ कोड दैट यूजेज रैपर क्लासेस। अभी रैपर क्लासेस और प्रीमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं ना उसमें आपको ये कंफ्यूज करेंगे सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस में। कभी जो INT इंट लिख देंगे, कभी INTE GER इंटीजर लिख देंगे। सो आपको ये पता होना चाहिए कि INTE GER मतलब ये जो है इट्स अ रैपर क्लास एंड INT मतलब ये प्रीमिटिव डेटा टाइप है। सो दैट इज हाउ दे विल ट्राई टू ट्रिक यू इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। सो वो होने के बाद में यूजिंग ऑपरेटर्स एंड डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। अभी इसमें है यूज जावा ऑपरेटर्स, यूज पैरेंथेसिस टू ओवरराइड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, डबल इक्वल्स टू और इक्वल्स टू जो मेथड है इसमें मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यूज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। सो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी एज अ पार्ट ऑफ दैट सर्टिफिकेशन एग्जाम। क्रिएटिंग एंड यूजिंग अरेज। अरेज कैसे क्रिएट करते हैं जावा में। मल्टी डायमेंशनल अरेज मतलब जो मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई एक अरे क्रिएट किया, अरे ARR, सो उसमें अगर आपने सिंगल ब्रैकेट दे दिया और उसी में अगर आपने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स जो है उसके बढ़ा दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, सो इट इज बिकमिंग अ मल्टी डायमेंशनल अरे। कि कैसे उनका मेमोरी एलोकेशन होता है, आपको कोई एक लूप दे दिया जाएगा, कोई प्रोग्राम दे दिया जाएगा, उसमें सिंगल वन या तो मल्टी डायमेंशनल अरे रहेगा और उसका आउटपुट आपको पूछा जाएगा कि क्या इसका आउटपुट हो सकता है। सो यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सच अ क्वेश्चन मोर एक्चुअली, ऐसा मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। अभी यूजिंग लूप्स, सो लूप्स ये भी एक, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैप वाले क्वेश्चंस बनते हैं कि लूप्स में कैसा होता है कि आपको वो लूप इटरेट करके देखना होता है प्रोग्राम्स या फिर एग्जाम में कि इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा एट द एंड। सो आप अलग अलग टाइप के जो लूप्स है, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, वो होने के बाद में व्हाइल वगैरह, जो ये लूप्स है इनको थोड़ा अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए। वो होने के बाद में वर्किंग विथ मेथड्स एंड एनकैप्सुलेशन, सो जो एनकैप्सुलेशंस वगैरह रहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स जो रहता है पब्लिक प्राइवेट वगैरह, वो सारे चीज़ों पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कोई मेथड अगर पब्लिक है और उसका हम कहीं बाहर से कॉल कर रहे हैं या प्राइवेट है उसको कहीं और क्लास से कॉल किया जा रहा है, तो व्हाट वुड बी एन आउटपुट, वेदर इट्स अ एक्सेप्शन और व्हाट एवर इट इज़। सो ये ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पूछी जा सकती है। वो है वर्किंग विथ इनहेरिटेंस, सो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो होने के बाद में वर्किंग विथ सिलेक्टेड क्लासेस। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मतलब आपको ये जो सारा सिलेबस है ये आपको पूरा अच्छे से स्टडी करना है। एंड अज्यूम द फॉलोइंग, मिसिंग पैकेज एंड इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स, इफ द सैम्पल कोड डू नॉट इंक्लूड द पैकेज और इम्पोर्ट स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन डज नॉट एक्सप्लिसिटली रेफर टू दिस मिसिंग स्टेटमेंट्स, देन अज्यूम दैट ऑल सैम्पल कोड is in the same package or import statements exist in support to them। अभी ये क्या लिखा है इन लोगों ने कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम आपको पूछा गया है इन सैम्पल, कोई प्रोग्राम में कोई क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि इन्होंने ओरेकल के साइट पे इन लोगों ने दी है, तो इस टिप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये टिप आपको माइंड में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसमें इन्होंने ये बोला है कि इफ सैम्पल कोड डू नॉट इंक्लूड अ पैकेज और इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स, जैसे कि आपको कोई प्रोग्राम पूछा गया है और उसमें इम्पोर्ट स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, सो उस केस में, या फिर कोई पैकेज नहीं डिस्क्राइब किया गया, तो उस केस में आपको क्या कंसिडर या अजम्पशन करके चलना है। एंड द क्वेश्चन डज नॉट एक्सप्लिसिटली रेफर टू दिस मिसिंग स्टेटमेंट्स, देन अज्यूम दैट ऑल द सैम्पल कोड इज इन द सेम पैकेज। तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि जो भी कोड या प्रोग्राम आपको एज अ क्वेश्चन में पूछा गया है, यू शुड अज्यूम दैट द एंटायर कोड इज इन द सेम पैकेज। सो ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। और इम्पोर्ट स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन सपोर्ट टू देम, इसका मतलब ये है कि उनके सपोर्ट में कोई ना कोई इम्पोर्ट स्टेटमेंट भी है, उन्होंने एज अ अजम्पशन आपको करके चलना है ये चीज़ें। नहीं तो आप सोचोगे यार इसमें इम्पोर्ट स्टेटमेंट नहीं है, देन देयर हैज़ टू बी अ एरर एज अ आउटपुट, और पता चला कि जो ऑप्शंस उन्होंने जो आंसर में दिए है उसमें तो वो एरर दिया ही नहीं है, बिकॉज दे आर अज्यूमिंग दैट द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज एग्जिस्ट, ऐसा आपको अज्यूम करके चलना है। सो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने चाहा कि मैं आपके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर कर दूं, जो ऐसा मुझे लगा तो मैंने कर दी। और नीचे के सेक्शन में थर्ड जो लास्ट सेक्शन होता है उसमें आप वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अभी ये जो वेबसाइट है ये मैंने खोली है मोबाइल पे, इसके वजह से जो इसका UI है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। वाई आई हैव ओपन दिस वेबसाइट इन द मोबाइल, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना ये आपके लैपटॉप पे ओपन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के ब्राउज़र्स का कुछ तो इशू है, या तो ओरेकल के वेबसाइट का कुछ तो इशू है, आई डोंट नो। तो कुछ सर्टिफिकेशंस के जो सिलेबस है, टॉपिक्स है, दे आर नॉट एट ऑल कम्प्लीटली लाइक गेटिंग डिस्प्लेड वेन एवर वी आर ट्राइंग टू एक्सेस देम फ्रॉम द ब्राउज़र। सो इसके लिए मैंने मोबाइल से एक्सेस करने का ट्राई किया, सो दे आर वेरी मच एक्सेसिबल फ्रॉम द मोबाइल यार। सो दिस इज व्हाट द इम्पॉर्टेंट थिंग 1Z0-808 में बस इतना ही। और इसको प्रोग्रामर 1 क्यों बोला गया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।